हेलो गाइस, आज मैं भिंडी की बिल्कुल नई और टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे भिंडी आपने कभी नहीं बनाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जो नहीं भी खाते हैं वो उंगलियाँ चाट कर कर खाएंगे, और जो दो रोटी खाते हैं दो की जगह वो चार रोटी खाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो भिंडी, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद हम इसे करेंगे कट। तो फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ, और यहाँ पर ले लिया मैंने प्लेट, और अब हम इसे कट करेंगे। तो इसका जो आगे का और पीछे का हिस्सा है ना, इसको हम काट के हम हटा देंगे, और इसके बाद हमें इस तरीके के पीसेस में कट करेंगे। आप देख सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा पीसेस छोटा है और ना ही ये बड़ा है, तो बस हमें जो है इस तरीके से हमें कर लेना है कट। तो इसी तरीके से मैं सभी को मैं कट कर लेती हूँ। तो पहले आप भिंडी को धोकर ही आप इसे काटिएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने जो है सभी को कट कर लिया है, और मेरी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई, और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और फिर उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर 5 सूखे लाल मिर्च, जिसको हमें जो है तेल में फ्राई करना है, और इसका जो है हमें कलर चेंज होने तक हमें इसे थोड़ा सा इसे फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद हम इसे जो है निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, कलर इसका काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ, और इसे निकाल कर हम थोड़ा साइड में रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन लिया था जिसको मैंने कट कर लिया है, कम से कम 10 से 12 मैंने जो है लहसुन की कलियां ली थी, जिसको मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने जो है अदरक लिया है, और जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। तो आप ज़्यादा कोशिश करिएगा लंबे में काटिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये लंबे में काटिएगा ना अदरक, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो यहाँ देखिए अच्छे से जो है ये तड़क गया है, तभी हम इसमें डाल देंगे भिंडी, और भिंडी डाल के हमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसे चलाना है। तकरीबन 1 मिनट तक हमें जो है इसी तरीके से इसी में हमें इसे भून लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिएगा इस ऐसे आप भिंडी बनाइएगा, तो आपकी भिंडी बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी। आप देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा बिल्कुल एक एक भिंडी बिल्कुल अलग होती है, और खाने में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी भिंडी आपने कभी नहीं खाई होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, और कलर के लिए थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे, और तीखा तो बाद में हम वाली मिर्च डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, और इसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से चला लिया है, और अब हम इसे ढककर 2 मिनट पकाएंगे। तो देखिए गाइस, 2 मिनट हो चुका है, और भिंडी काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम हाई, और हाई फ्लेम पे हमें जो है थोड़ा सा भिंडी को भूनना है, यानी कि थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो देखिए गाइस, भिंडी जो है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। तो और हमने जो इसमें से जो मिर्च निकाला था ना फ्राई करके तेल में, वो मिर्च को हम हाथ से मैंने चूरा कर लिया है, और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ, और डाल के इसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से चलाएंगे, और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें जो इसे पकाना है, हाई फ्लेम पर हमें क्रिस्पी करना है, इससे भिंडी काफ़ी अच्छा बनेगा। और गाइस, इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है। हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला है, गर्म मसाला डाला है, उससे ना इसका जो बिल्कुल एक चटपटा सा टेस्ट आएगा, और तीखा तीखा सा, क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्च भी डाली है और पाउडर मिर्च भी डाली है। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गाइस आप अदरक और ये लाल मिर्च का यूज़ ज़रूर करिएगा, यानी कि सूखी लाल मिर्च का। आप पाउडर डालिए ना डालिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, हमारा जो है भिंडी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, ये पूरा बन गया है, और अब मैंने इसको किया है सर्व, और यहाँ देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। और जो है आप इसे रोटी, पराठा या फिर चावल किसी के साथ आप खा सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कब बना रहे हैं वो भी बताइएगा, और बनाया है आपने और कैसा बनाया आपका वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।